Assalamu alaikum, dear Habibis, how are you? I hope that you are fine and good. Actually, today I am going to have my very first Mexican driving license. तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करते हैं थोड़ी नॉलेज, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का पता चले कि मेक्सिको में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैसा होता है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। एक्चुअली सीन ये कि मेरे पास तो पाकिस्तान में भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्क का अपना ही सीन है, हम तो वहाँ पर हर फन मोला अंधा धुंध पिंडी बॉयज़, आप तो जानते ही हैं। तो अब सीन ये है कि क्योंकि अब जारी बात है ये इंपॉर्टेंट भी है, और प्रदेश में अगर आपके पास एक लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस, तो एक तरह की आपकी आइडेंटिटी होती है। तो इंशाल्लाह एट लास्ट आई एम गोइंग टू हैव माय ड्राइविंग लाइसेंस एंड आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू गाइस दैट हाउ इज इट लुक लाइक एंड व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग दिस एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस and some other identity in a foreign country for you guys. तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे and I will try to guide you as much as possible. तो चलिए चलते हैं और चल के देखते हैं कि मेक्सिको में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है और क्या शुगल मेले लगते हैं। Let's go. And he's taking breakfast. हाँ तो भाई और सीन ये है कि इस पर जस्ट अ मिनट कि ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्होंने हमें दे दी हैं, ये आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट पर लिखा हुआ रिक्विजिटोस पर ट्रामिटेस, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास हमारा आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास जो अपना बिजली का बिल या टेलीफोन के बिल की कॉपी होनी चाहिए, या इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है, और अगर वो नहीं है तो आपका जो नंबर है आईडी कार्ड नंबर वो हो सकता है, और यहाँ पे नीचे लिखे हुए टेलीफोन और जो जहाँ पे रहते हो उसकी जगह का एड्रेस और ये वो। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छा खासा सीन है यार, अभी हम लोग गए थे वहाँ पर, उन्होंने हमें ये दिया, अभी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए मैं दुकान पर आया हूँ, अब देखता हूँ क्या सीन है यार। लेट्स गो ऑन। हाँ तो भाई ओ सीन ये है कि हम वापस आ गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है लाइसेंस जो है मैं आपको दिखाता हूँ। लूडो मेक्सिको में हम लूडो खेल रहे हैं और चाय तो ऑफ कोर्स अभी आपको पता मिस आउट नहीं सकती। अच्छा तो ये है हमारा लाइसेंस। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई शख्स क्या कहते हैं उसको कभी भी अपने लाइसेंस या अपने आईडी कार्ड जितना खूबसूरत नहीं होता, और सेम कभी भी फेसबुक में जितनी उसकी फ़ोटो होती है इंस्टाग्राम में उतना खूबसूरत भी नहीं हो सकता। तो खैर चलो यार मेक्सिको में आके थोड़े काले हो गए, लेकिन चलो कोई नहीं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यार कि प्रोसीजर मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा बर्थ और फ्रेंड नाम जो भी है, इसके अलावा ऐसा देख सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि सेक्स क्या है, मतलब सेक्स जेंडर की बात हो रही है, और आप नेट ग्रुप क्या है, इसके अलावा तीन चार और चीज़ें कब रिटायर एक्सपायर होगा और वो चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट। तो सीन ये कि एट द एंड ऑफ द डे यार भाई ने लाइसेंस हासिल कर लिया, अब भाई जो है वो एक सिटीजन बन गया है। हाँ तो भाई प्रोसेस आप लोगों ने देखा। एक्चुअली सीन ये कि मेक्सिको में मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेनर्स के लिए इजी हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो फॉरेनर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हैं, जिसमें बैंक अकाउंट खुलवाना थोड़ा बहुत मसला होता है अक्सर कुछ चीज़ों का। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों और रिक्वायरमेंट्स पूरी हों और अगर कोई इलीगल एक्टिविटी या इस तरह का कुछ करना हो तो बिल्कुल एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह आपको ड्रील किया जाता है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि मेक्सिको इज़ अ कंट्री विद almost no racism and such a hospitable country. यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा वेलकम किया जाता है, स्पेशली फॉरनर्स को, काफ़ी ओपन आर्म्स के साथ, ओपन हार्ट्स के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस यहाँ पे 4-4.5 साल का अच्छा गुजरा है, और वैसे भी हमेशा
मेजोरिटी को देखना चाहिए, माइनॉरिटी को नहीं देखना चाहिए। मैं गया तो बड़ा तैयार शेयर होके जेल वगैरह लगा के और क्या कहते हैं बड़ी, मैंने कहा चलो यार कोई फ़ोटो वगैरह खींचेंगे तो सही से होगा कोई सिस्टम, लेकिन इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन्होंने बहुत जल्दी मतलब ये कि पासपोर्ट का यानी कि विद इन 30 मिनट्स के अंदर अंदर उन्होंने मुझसे 4-5 चीज़ें मांगी, जिसके अंदर क्या कहते हैं आपके घर का बिल होना चाहिए, ठीक है, टेलीफोन का, बिजली का, गैस का, पानी का, जो भी है। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका वे फॉर्म अगर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ग्रुप एक होता है आईडी कार्ड नंबर, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इस तरह करके वो बिल बन जाता है नेशनल आईडी कार्ड का। इसके अलावा आईडी कार्ड नेशनलिटी होनी चाहिए, पासपोर्ट हो तो तब भी अच्छा है, ठीक है, जिस तरह फॉरेनर बंदे के लिए। और 3-4 चीज़ें इस तरह करके आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, वो साइन करवाते हैं, और आई टेस्ट लेते हैं आपका स्पेशली कि आप देख सकते हो, हेयरिंग टेस्ट होता है आपका कि आप सुन सही सकते हो, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें करके होती हैं तो ईज़िली मिल जाता है, मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन ये कि इस चीज़ की अश्योरिटी है, तकरीबन एक तरह की क्या कहते हैं थोड़ा सुकून ही है कह सकते हैं कि, यानी कि बिला वजह पुलिस वाले, आपको पता है पुलिस वाले तो खैर इधर हों उधर हों हर जगह तंग करते हैं, तो बिला वजह रोक के अभी परेशान नहीं करेंगे। खैर उम्मीद करता हूँ आपने आपके लिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव होगी ये वीडियो, और इसके अलावा कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बेशक इनबॉक्स कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं। आपको पता है कि आपका भाई हमेशा हाजिर है इस चीज़ के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, एट द एंड ऑफ द डे यही कहूँगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, मेक्सिको में रहिए या इस्लामाबाद रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।